हो सकता है फिर से एक दफ़ा रिकवरी में आ जाए। आप देख सकते हैं फिर से एक दफ़ा रिकवरी में आ गया, एनवी डाटा इज़ कॉरप्ट बताया, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वही फ़ोन है रेडमी 9 एक्टिव, जो कि इससे पहले मतलब रिपेयर करने की कोशिश की थी हमने, तो रिपेयर नहीं हो पाया था। ये ट्रैक यहाँ पे मैंने इसका काट दिया था, वो मैंने फिर से जोड़ दिया आप टेस्ट दिखाने के लिए कि ये फ़ोन अभी फिर से वर्किंग कंडीशन में है। मगर एक तो ये लोगो हैंग है, ऊपर से ये एम्पियर ना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। डीसी सप्लाई की तरफ देख सकते हैं आप, ये मैंने पावर की प्रेस करी, ये डायरेक्ट 300 के आसपास जा रहा है, ठीक है। मैंने पावर की प्रेस करके ही रखी है, आप देख सकते हैं ये फ़ोन जो है बूटअप हो चुका है, ठीक है। रेडमी 9 एक्टिव, रेडमी 9 ए, रेडमी 9, रेडमी 9 आई, 9 सी, ये 3-4 मॉडल है जिनका पीसीबी सेम लगता है, ठीक है। शक्ल से जीबी का फ़र्क है और कुछ मॉडल में प्रोडक्ट कोड का फ़र्क है, ठीक है, बाकी ये पीसीबी सेम है। चलिए इसको आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, इसका सीपीयू बदल के देखते हैं आज, ठीक है। सीपीयू चेंज करके चेक करते हैं आज इसको कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इसकी या नहीं होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रेडमी 9 एक्टिव जो कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर यह रिपेयर नहीं हो पाया था, सीपीयू डैमेज था, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे मैंने ट्रैक काट दिया है इसका, ठीक है, ये यहाँ पे शॉर्ट है, ये ट्रैक जो है सीपीयू से शॉर्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रैक जो है यहाँ पे सीपीयू से शॉर्ट है, ठीक है। मल्टीमीटर पे बीप आ रही है, ठीक है। चलिए सीपीयू रिमूव करते हैं इसका और ओनली सीपीयू चेंज करके देखते हैं इसका, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिए। कैसे इसका सीपीयू चेंज करना है, क्या क्या प्रोसेस करना है ओनली सीपीयू चेंज के लिए, ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। देखते हैं फ्लैश करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, वैसे तो नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूँ फ्लैश की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ये मैं सीपीयू रिमूव करने जा रहा हूँ स्क्रैप पीसीबी से, रेडमी 9 ए का पीसीबी है ये, तो इसमें से सीपीयू निकाल के लगा देंगे, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कोई भी सवाल हो मन में कमेंट करो तो रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। सीपीयू चेंज करने से पहले ये वाला ट्रैक यहाँ पे शॉर्ट आ रहा था, ठीक है, आप अभी मल्टीमीटर पे देख सकते हैं अभी आप, सीपीयू चेंज करने से पहले ये वाला जो ट्रैक है यहाँ पे ये शॉर्ट आ रहा था, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी कितनी वैल्यू आ रही है इस पे, ठीक है, 375 के आसपास अभी इस पे वैल्यू आ रही है, पहले ये ट्रैक शॉर्ट था, ठीक है। अभी ये जो ट्रैक है यहाँ पे जो कट गया था इससे पहले की वीडियो में, तो ये ट्रैक ज़रूरी है नहीं, ठीक है, ये जोड़ना ज़रूरी है नहीं ये वाला ट्रैक, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट है, कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। मगर ये वाला ट्रैक यहाँ पे जोड़ना ज़रूरी था, तो ये मैंने ऑलरेडी जोड़ रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं अभी इस पे वैल्यू आ रही है। अभी चेक करेंगे ऑन करके, ये डायरेक्ट ऑन होगा नहीं, या तो ये रिकवरी में जाएगा या तो ये लोगो पे अटकेगा,
इसके लिए इसको या तो फ्लैशिंग करनी पड़ेगी पहले, या तो इसको वाइप डाटा करना पड़ेगा, ठीक है, फैक्ट्री रिसेट वाइप डाटा करना पड़ेगा। उसके बाद ना ये फिर से रिकवरी में अटकेगा, क्योंकि सीपीयू और ईएमसीपी का सीपीयू और ईएमसी का जो डाटा है सिक्योरिटी डाटा वो मैच नहीं होगा। उसके लिए हमें इसको हार्डवेयर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, वो भी मैं बताता हूँ अभी। पहले इसको चेक करते हैं ऑन करके, अभी इसको फिर से चेक करते हैं। आपको मैंने पहले टेस्ट करके बताया था ये 300 के आसपास पहले ही पावर की प्रेस करने पे ले रहा था, ठीक है, और लोगों पे ये रिस्टार्ट हो रहा था और कभी कभी ऑन भी हो रहा था मगर फिर रिस्टार्ट मारता था, ठीक है। रेडमी 9A, 9 एक्टिव, रेडमी 9, 9i, इन तीनों में ये दिक्कत आती है मोस्टली। अभी पावर की प्रेस करने जा रहा हूँ, ये पावर की प्रेस करी मैंने, आप देख सकते हैं 54 से डायरेक्ट 150 के आसपास, ठीक है। इसका मतलब है इसकी बूटिंग अब ओके हो चुकी है, ठीक है, मगर ये लोगों के आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। या तो इसमें फ्लैशिंग करनी पड़ेगी या तो इसमें रिकवरी में जाके वाइप डाटा करना पड़ेगा। उसके बाद भी ये एक दफ़ा अटकेगा रिकवरी में, ये बताएगा एनवी डाटा इज करप्टेड या कुछ ऐसा बताएगा। उसके लिए हमें हार्डवेयर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, अंदर से कुछ कंपोनेंट मॉडिफाई करने पड़ेंगे, रिमूव या जो भी होगा इसका हार्डवेयर मॉडिफिकेशन, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको रिकवरी में लाते हैं, पहले एक दफ़ा इसको वाइप डाटा करते हैं, ठीक है। इसको रिकवरी में ला के वाइप डाटा करते हैं एक दफ़ा, वॉल्यूम अप प्लस पावर, ठीक है। आप देख सकते हैं रिकवरी जो है सक्सेसफुली आ चुकी है इसकी। अभी इसको ना वाइप डाटा करते हैं यहाँ से, ठीक है। जब तक इसका वाइप डाटा नहीं करेंगे ना यहाँ से, तब तक ये पूरा बूट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ईएमएमसी और सीपीयू का डाटा जो है मिसमैच होता है क्रॉस करने पे। जब हम क्रॉस करते हैं सीपीयू या ईएमएमसी चेंज करते हैं बिना फ्लैशिंग के, तो ये क्रॉस मतलब ऑन करने में दिक्कत करता है, ऑन होने में दिक्कत करता है, ठीक है। रिबूट सिस्टम नाउ, अभी चेक करते हैं ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आगे तो ये बढ़ेगा ही, ठीक है, मगर उसके साथ साथ ये फिर से रिकवरी में अटकेगा। आप देख सकते हैं आगे बढ़ गया, MIUI आ गया, ठीक है, मगर ये रिबूट करके फिर से रिकवरी में आ जाएगा। उसकी वजह है हार्डवेयर मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं एनवी डाटा इज़ कॉरप्टेड आ गया, ठीक है, एनवी डाटा इज़ कॉरप्टेड आ गया। अभी इसको रिमूव करने के लिए हमें, इसको हटाने के लिए हमें हार्डवेयर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हार्डवेयर मॉडिफिकेशन के लिए एनवी डाटा कॉरप्ट हटाने के लिए हमें दो कंपोनेंट खाली इसको रिमूव करने हैं, तो ये ओरिजिनल सिक्योरिटी पे आ जाएगा। जो भी इसकी ओरिजिनल सिक्योरिटी रहेगी ना, वही वाली सिक्योरिटी इसमें आ जाएगी, ठीक है, बिना रिपेयर किए। एक तो ये वाला कंपोनेंट आपको हटाना है यहाँ से, ठीक है, हटा दिया मैंने, और ये वाला भी हटाना है। ये दो कंपोनेंट आपको हटाने हैं यहाँ से, ठीक है, तो एनवी डाटा कॉरप्ट जो है हट जाएगा, ठीक है। जो भी इसकी ओरिजिनल सिक्योरिटी रहेगी वही आएगी, ठीक है। हार्डवेयर मॉडिफिकेशन भी कर दी इसमें, अभी चेक करते हैं, मगर ये फिर से एक दफ़ा रिकवरी में आएगा, तो हो सकता है फिर से ये एक दफ़ा रिकवरी में आए, तो हमें यहाँ से रिबूट सिस्टम नाउ करना है, ठीक है। पावर की प्रेस करी मैंने, आप देख सकते हैं अभी नॉर्मल बूट पे है फ़ोन, 150 के आसपास ले रहा है फर्स्ट बूटिंग, तो अभी ये हो सकता है फिर से एक दफ़ा रिकवरी में आ जाए। आप देख सकते हैं फिर से एक दफ़ा रिकवरी में आ गया, एनवी डाटा इज़ कॉरप्ट बताया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे रिबूट सिस्टम नाउ करना है, रिबूट सिस्टम करना है, ठीक है। अब ये रिकवरी में नहीं अटकेगा, अब ये डायरेक्ट आगे जाएगा और बूटअप भी सक्सेसफुली हो जाएगा और चलेगा भी अब से ही, ठीक है। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, कुछ भी सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, जितनी मेरी YouTube चैनल ग्रो करेगी उतना मैं ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा वीडियो उस पर, ठीक है। अभी ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेगा बूटअप होने में, तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
आप देख सकते हैं फोन यहाँ पे सक्सेसफुली बूटअप हो चुका है, ठीक है ना, ना फ्लैशिंग की टेंशन, ना एएमसी रिप्रोग्राम की टेंशन, ना सिक्योरिटी रिपेयर की टेंशन, ठीक है। डायरेक्ट सीपीयू चेंज कर दिया, सारा प्रोसेस मैंने बता दिया, बिना फ्लैशिंग के, बिना एएमसी रिप्रोग्राम के, बिना क्या बोले इसको सिक्योरिटी रिपेयर के, ठीक है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी FRP लॉक भी लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। ये अब प्रोसेस है, जो भी इसका प्रोसेस रहेगा, ठीक है, FRP के लिए। बाकी वीडियो पसंद आ गई हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी सवाल हो मन में कमेंट कीजिए, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया, थैंक यू।